कक्षा सिक्स और सेवन विषय संस्कृत, विषय संस्कृत। इसमें चल रहा है हमारा संधि, क्या चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम क्या कर रहे हैं, व्यंजन संधि कर रहे हैं। क्या चालू किए हैं, व्यंजन संधि चालू किए हैं। कौन सी संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और आज हम व्यंजन संधि के एक भेद चुप्त संधि के बारे में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये संधि क्या है और इसमें क्या होता है। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में सर्वलस या त वर्ग यानी त थ द ध न आय तथा दूसरे पद के शुरू में संकर वाला स या च वर्ग यानी च छ ज झ य आए तो स तथा त वर्ग क्रमशः श तथा च वर्ग में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ये अश्चुत संधि का नियम कि पहले पद के अंत में क्या आ जाए, सर्प वाला सब या त वर्ग आ जाए, दूसरे पद के शुरू में ये स या च वर्ग आ जाए। तो सर्प वाला स या त वर्ग संकर वाले स या च वर्ग में बदल जाते हैं, संकर वाले स या च वर्ग में बदल जाते हैं। अब कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बोर्ड पे इन तरीकों से इसको समझा रहा हूं। जैसे मान लो स आ जाए प्लस करके, या तो संकर वाला स आ जाए और नहीं तो च वर्ग का कोई एक वर्ण आ जाए, तो ये स हमेशा किस में बदल जाएगा, संकर वाले स में बदल जाएगा। ठीक है, ये मान लो त आ जाए प्लस करके संकर वाला स आ जाए और नहीं तो च वर्ग का कोई एक वर्ण आ जाए, तो त अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है तो ये च वर्ग में बदलेगा, तो ये अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है तो च वर्ग का प्रथम अक्षर क्या होता है, च, यानी ये त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। अब मान लो पहले पद के अंत में थ आ जाए प्लस करके संकर वाला स या च वर्ग आ जाए तो ये थ त वर्ग का एक अक्षर है, और इसके बाद में संकर वाला स या च वर्ग आ जाए तो ये त वर्ग च वर्ग में बदलेगा। लेकिन ये त वर्ग का कौन सा वर्ण का अक्षर है, दूसरे नंबर पे आता है तो च वर्ग का दूसरा अक्षर क्या होता है, छ, तो ये थ किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। थ किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। अब मान लो पहले पद के अंत में द आ जाए प्लस करके संकर वाला स या च वर्ग आ जाए, ठीक है, तो ये द
अपने वर्ग के कौन से अक्षर पे आता है, तीसरे स्थान पे आता है, तो च वर्ग का तीसरा क्या होता है, ज, यानी ये ज में बदल जाएगा, यानी किसमें बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। मान लो पहले पद के अंत में ध आ जाए प्लस करके संकर वाला स या च वर्ग आ जाए, तो ये ध अपने वर्ग का, क वर्ग का कौन सा अक्षर है, चौथा, तो ये च वर्ग में बदल जाएगा, च वर्ग का चौथा अक्षर क्या होता है, छ, तो ये ध किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। मान लो पहले पद के अंत में न आ जाए प्लस करके संकर वाला स या च वर्ग आ जाए, तो ये न अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, यानी ये न किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। तो इस प्रकार आज मैं आपको अश्चुत संधि के केवल नियम बताए, उदाहरण कर।